मां श्रृंगार गौरी के दर्शन में होने वाली असुविधाओं के संबंध में विश्व हिंदू सेना के प्रतिनिधिमंडल ने आला अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जी हां, चैत नवरात्रि के चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी के दर्शन की मान्यता है। ऐसे में भारी संख्या में हिंदू जनमानस मां के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कड़ी धूप होने के कारण दर्शनार्थियों को दर्शन पूजन करने में काफी दिक्कतें होती हैं। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता काशीनाथ शुक्ल ने बताया कि तपते हुए फर्श से भक्तों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लोग तपते हुए फर्श पर न चल पाते हैं, ना ही खड़े हो पाते हैं। ऐसे में इस मामले को विश्व हिंदू सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी वाराणसी, SSP वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी, SP सिटी वाराणसी तथा CO दशा समेत को पत्रक सौंपकर संज्ञान कराया, ताकि नवरात्रि के चतुर्थी तिथि यानी 28 मार्च 2020 को दर्शन स्थल पर मैंटिंग या कालीन बिछवाया जाए, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए और दर्शन पूजन विधि पूर्वक संपन्न हो सके। गौरतलब है कि अरुण पाठक के नेतृत्व में 25 साल से हजारों की संख्या में भक्त माता श्रृंगार गौरी के दर्शन करते हैं। विश्व हिंदू सेना के प्रतिनिधि मंडल में महासचिव विपिन ओझा, कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी कमलेश दुबे, जिला अध्यक्ष राजेश राजभर, महानगर अध्यक्ष श्रवण राय राहुल, संयुक्त सचिव विजेश्वर राय व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम काशीनाथ शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं विश्व हिंदू सेना का। काशीनाथ जी, आज क्यों आगमन हुआ जिला? देखिए, ये हम लोग आए हैं क्योंकि 25 साल से बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी इस बार जो 28 तारीख 28 मार्च को लोग जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए माता का, और हर साल जाते हैं। 25 साल से अनवरत ये परंपरा चली आ रही है, एक दिन के लिए ही माता का दरबार खुलता है दर्शन के लिए आम आदमी के लिए। तो ऐसे में जब वहां पे आम पब्लिक जब जाती है, जब भक्त जाते हैं वहां पे, तो जो पत्थर का जो रास्ता बना हुआ है वो काफ़ी तपता है गर्मी की वजह से, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं और जो भक्त हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में इस बार हर बार हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उस पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो भक्त हैं उनके पैरों में छाले न पड़े, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। और इसलिए हम लोग आज जो है DM, SSP, कमिश्नर, SP सिटी और CO दशा समेत को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, ताकि जो व्यवस्था है वो उचित की जा सके और जो भक्त आते हैं उनके लिए उचित जल की व्यवस्था की जा सके। काशीनाथ जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, महामारी पूरा विश्व झेल रहा है और प्रधानमंत्री की भी अपील है, वैष्णो देवी और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर कपाट बंद हैं अनिश्चितकाल के लिए, तो आपकी विश्व हिंदू सेना कोरोना वायरस को लेकर क्या तैयारी कर रही है लोगों को? बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग आएंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, सबको सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जाएगा, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा प्रशासन जो अपनी व्यवस्था कर रही है वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग हमारे जो विश्व हिंदू सेना से लोग आएंगे, जो और भी भक्त आएंगे, उनसे हमारा निवेदन है कि वो सैनिटाइज होकर ही अंदर प्रवेश करें। और चूंकि ये साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, दर्शन होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नहीं तो अगर और भी अगर कोई वाक्या होता तो हम इसे कैंसिल कर दिए होते, लेकिन ये वर्ष में सिर्फ एक दिन ये दर्शन का प्रावधान है, इसलिए ये थोड़ा सा जरूरी समझ में आता है। चेतावनी लगाई है जिलाधिकारी ने बनारस में जी, ऐसे में ज्यादा इसीलिए देखिए हमने सभी अधिकारियों से, महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क इसीलिए किया है ताकि जो भी जरूरी बातें हों वो आपस में की जा सके, ताकि किसी प्रकार की, अभी देखिए आश्वासन नहीं, अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और एक बार फिर हमें लगता है कि मुलाकात करनी पड़ेगी और जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी फिलहाल में कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी ज्ञापन हम लोगों ने दिया है।